कृष्णा, आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि महालक्ष्मी योगनी करने के बाद एक साधिका के साथ कैसे परिवर्तन हुए। माता लक्ष्मी योगनी साधना करने के पहले ये जो साधिका थी, इनके पिता बहुत माता जी की सेवा करते थे, तो उनको देखकर ये भी आध्यात्मिक करने लगी तो मेरा मन हुआ कि भाई मुझे भी साधना करना चाहिए। लेकिन साधना के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, कैसे होती है, क्या करते हैं, इस विषय में कुछ भी मुझे नहीं पता था। मेरी जब शादी हो गई, शादी होने के बाद मैं जब ससुराल पहुंची तो वहां पर मैंने देखा कि यहाँ पे मंदिर तो है ही नहीं। मेरे ससुराल में मंदिर नहीं था, ऐसा साधिका ने बताया कि मेरे ससुराल में मंदिर ही नहीं था। तो मैंने ये संकल्प लिया कि मैं यहाँ एक मंदिर बनाऊंगी और यहाँ पर पूजा पाठ जो है मैं यहाँ पर अपना करूंगी, उसे मैं बंद नहीं करूंगी। जैसा मेरे मायके में मैंने देखा वैसे ही मैं ससुराल में करूंगी। अब उन्होंने वहां पे मंदिर बनाया, मंदिर बना के पूजा पाठ शुरू की, लेकिन उनके ससुराल का माहौल ऐसा नहीं था कि वहां पर पूजा पाठ हो सके। वहां पर जिस कमरे में उन्होंने मंदिर बनाया था उसी कमरे में बैठकर उनके परिवार के लोग मांसाहार करते थे। जब उन्होंने ये चीज देखी कि भाई यहाँ तो मांसाहार होता है, जो उनको पहले नहीं पता था, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो मांसाहार बनता है, मांसाहार खाया जाता है और वो भी पूजा के कमरे में ही बैठ के खा रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे मंदिर है, तो फिर उन्होंने अपने पति के साथ कुछ दिनों के बाद अलग रहने का निर्णय लिया। जब बहुत सारी परिस्थितियां ऊपर नीचे हुई, जो भी हुआ हो उनके साथ वो जानकारी उन्होंने नहीं दी, क्योंकि एक अच्छे घर की एक बुद्धिमान बहू जो होती है वो कुछ बातें बाहर नहीं बताती, तो उन्होंने भी नहीं बताया कि घर में क्या क्या वाद विवाद हुए। लेकिन माहौल ऐसा बन गया था कि वहां उनको फिर वैसे माहौल में रहना, खास करके एक ऐसी लड़की का जिसने बचपन से पूजा पाठ देखी हो, मुश्किल था। तो उन्होंने वो घर छोड़कर अपने पति के साथ किराए के कमरे में अलग से रहने लगे। जब वो वहां पे रहने लगे तब उनके साथ एक और घटना हुई कि उन्होंने कहीं पर पैसे दिए, घर खरीदने के लिए पैसे दिए और वो पैसे जो थे वो फंस गए। वो पैसे उनको सामने वाले ने घर भी नहीं दिया और उनको पैसे भी नहीं लौटाए। अब इनका मन हुआ कि भाई अब मैं किराए के कमरे में रहती हूँ, अब यहाँ पे तो साधना करने में कोई दिक्कत है नहीं। तो उन्होंने फिर, क्योंकि वो वीडियो हमारे देख रही थी, माता लक्ष्मी योगिनी के विषय में उनको जानकारी मिली वीडियो के माध्यम से, तो उन्होंने सोचा कि चलो माता लक्ष्मी योगिनी साधना करते हैं। माता लक्ष्मी योगिनी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है लेकिन जल्दी सिद्ध होने वाला स्वरूप है। दो स्थिति होती है माता लक्ष्मी को सिद्ध करने की। पहले माता लक्ष्मी योगिनी साधना की जाती है जिससे कि माता लक्ष्मी योगिनी सिद्ध होती है, फिर माता लक्ष्मी स्वतः उस घर में स्थान ग्रहण कर लेती है। तो ये स्टेप है एक प्रकार से कि पहले माता लक्ष्मी योगिनी साधना करो तो लक्ष्मी जी में स्थान ले लेती है। तो माता लक्ष्मी योगिनी माता लक्ष्मी ही है, बस माता लक्ष्मी योगिनी जो अंश है वो जल्दी सिद्ध हो जाता है और फिर पूर्ण रूप में वो माता लक्ष्मी ही आपके घर में स्थान ग्रहण करती हैं। तो माता लक्ष्मी के विषय में उनको जानकारी पता चली, फिर उन्होंने घर में साधना करना शुरू कर दी। अभी तक उनके जो पति थे वो रोक टोक तो नहीं करते थे लेकिन उतने आध्यात्मिक भी वो नहीं थे क्योंकि परिवार का माहौल वैसा था। तो अब उन्होंने जब महालक्ष्मी योगिनी साधना शुरुआत की, उन्होंने उनको काफी अच्छे अनुभव हुए, बहुत अच्छा लगा उनको। साधना पहली बार कर रही थी तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अनुभव हुए उनको। अब उनके मन में जो भी कामनाएं आती थी वो कामनाएं पूरी होने लगी। जब भी उनका कुछ खाने का मन करता तो बिना कहे पति लेके आ जाते, जब भी उनको कुछ कहने का मन करता कि क्या अपन ऐसा करें तो पति खुद आगे रह के कह देते। तो दिन भर में उनकी जो भी छोटी छोटी मनोकामनाएं थी वो भी पूरी होना शुरू हो गई। अब अचानक से एक दिन उनके पास उस व्यक्ति का कॉल आता है जहां पर उनके पैसे फंसे हुए थे। उस व्यक्ति ने कॉल करके कहा, सामने से कॉल करके कहा कि आप अपने पति को भेज दीजिए और जो पैसे हैं आपके वो आप ले जाइए। उनके पति वहां पे गए, पति गए तो उन्होंने माफी मांगी कि उसे गलती हो गई, जो पैसे आपके रुक गए थे और मैंने लौटाए नहीं समय पे, अभी आप अपने पूरे पैसे ले जाइए। और उन्होंने उनके पूरे पैसे लौटा दिए और ये पैसे जब फंस गए थे उसके बाद इनका मन भी नहीं था कि ये उस घर को खरीदे, तो इनका पैसा वापिस आ गया, सामने से सामने वाले ने पैसे लौटा दिए। तो फिर इनके पति को भी विश्वास हो गया माता जी पे और फिर वो भी साधना में सहयोग करने लगे अपनी पत्नी का। ना सिर्फ सहयोग करने लगे बल्कि सामग्री लाके देना, पूजन सामग्री, साधना सामग्रियां, हवन सामग्री जैसे दूसरी चीजें जो भी व्यवस्था उनको चाहिए होती थी घर में पूजा पाठ की, उनके पति स्वयं उनको लाके देने लगे। इतना बड़ा परिवर्तन उनके पति में आ गया जब उन्होंने देखा कि हाँ इन चीजों से लाभ होता है। अच्छा, साधना का इनका जो अनुभव है, वो बहुत लोगों का अनुभव होता है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि भाई ऐसा कुछ भी होता है, साधना जैसा भी कुछ होता है। इस संसार में दो चीजें सबसे प्रमुख होती है, एक तो कर्म जो आपको करना है, दूसरा भक्ति जो आप
कई प्रकार से कर सकते हैं। कर्म जिसमें आप अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं कि चलो हम ऐसा कुछ करें कि हमारे देश के लिए भी कुछ ना कुछ हम करके जाएं जिस देश में हमने जन्म पाया है, तो वो आप करते हो अपने दैनिक जीवन में जिस प्रकार भी आप करते हैं। अब भक्ति की बात भी ऐसी होती है कि आप परोपकार के रूप में या घर में साधना के रूप में या कभी कभार आप आध्यात्मिक चीजों में सहयोग करके किसी भी प्रकार से भक्ति का मार्ग अपना लेते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत ही होता है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई अगर हम भक्ति करने लगेंगे या हम पूजा पाठ करने लगेंगे तो हम किसी और का कहना मान रहे हैं। आप किसी का कहना नहीं मान रहे, ये तो प्रमुख कर्तव्य होते हैं एक मनुष्य के जो आप कर रहे हैं। तो आप अपने घर में अगर साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इसमें आपका फायदा है, किसी और का कोई लेना देना इससे नहीं है। तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बात मान रहा हूँ या किसी के कहने पर चल रहा हूँ। आप स्वयं के कहने पर चल रहे हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर चल रहे हैं। भक्ति भी व्यक्तिगत होती है और कर्म भी व्यक्तिगत होते हैं। जिसके कर्म गलत होते हैं उसको व्यक्तिगत दंड दिया जाता है कानून के हिसाब से, जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसको मान प्रतिष्ठा मिलती है व्यक्तिगत रूप से। ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है, लोग समाज सेवा कर रहा है, तो उसके पड़ोसी को सम्मान मिले, सम्मान उसी को मिलेगा जो करता है। तो कर्म भी व्यक्तिगत होते हैं आपके और भक्ति भी व्यक्तिगत होती है। आप अपने घर में अगर पूजा पाठ साधना ये सब लेकर आते हैं तो व्यक्तिगत रूप से आपके पुण्य बढ़ते हैं, आपकी गिनती भक्ति में आती है, ये सब आपका ही व्यक्तिगत रूप से सारी लाभ होते हैं। तो ये थी जानकारी एक साधिका की सत्य घटना के ऊपर, माता लक्ष्मी योगिनी के ऊपर, जो उन्होंने कई दिन पहले हमें भेजी थी लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन आज बनाया है भाई। कि शहर का नाम बताएं ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया, इसलिए हमने आपको नहीं बताया, लेकिन जानकारी उन्होंने विस्तार से हमें ऑडियो में भेजी थी, वही आज हमने आपको सुनाई है। तो और भी साधक साधिकाओं के साधना से संबंधित ऐसे ही जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्णा।